बाउंस पे बाउंस दे रही थी एक के बाद एक, तो वो एक बहुत ही क्लास था एकदम। उसमें जब उसने बोला कि मेरा मतलब बॉयफ्रेंड आईटी में है, तो बेस्ट चॉइस, आजकल आईटी का बहुत जबरदस्त पैकेज चल रहा है, तो अगर कोई लड़की होता मैं आईटी वाला ही चुनता भाई। आज के टाइम पे 25-30 लाख के पैकेज चल रहे हैं भाई, हम सीए लोगों का हालत बहुत ख़राब है, बहुत काम करना पड़ रहा है। सेकेंडली भाई वो सर, अरे ये भाई ये आदमी अलग है, उसको पता नहीं था वो आदमी को ये आदमी अलग है करके। वो वैभव सर इतने खास आदमी है कि अगर आपको कहीं पे जाना है, मतलब मुझे जाना है मेरे काम, मला बरेच किस्से माहिती वैभव सर, मी सांगितलं आयटी वालींनी कुठलीच भेटायची नाही शेतीची। तो वैभव सर इतने सही आदमी है, मतलब अगर आपको कहीं जाना है, मतलब मुझे जाना है मेरे काम से, तो वैभव सर आपको बाइक भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाइक तो हम अपने फ्रेंड की लेके जाती है, वैभव सर उसमें पेट्रोल भी डाल के देते आपको। इतने सही आदमी है कि तू मला जायचं आहे ना, तर नाही नाही मी गाडीमध्ये पेट्रोल टाकून देतो सगळं। सर मुलगी पण भेटते का आपल्याकडे? सॉरी सॉरी, वैभव सर के पास में वो सीन नहीं है लगता अभी। ओके, सेकेंड और अपने यहाँ पे मेरे को तो अभी डायरेक्टर्स पे ही आते हैं। सिद्धे सर बैठे हैं यहाँ पे, सिद्धे सर आज बहुत खुश है, मतलब सिद्धे सर इतने खुश है कि अनवी उसके काम में बिजी है उधर, और रुचिका मैडम पुणे में नहीं है आज। बेस्ट टाइम उनको पता है, ये बेस्ट टाइम उनको, मतलब ऐसे है कि पिछले 5 दिन से हम दोनों बाहर थे, पूरे टूर पे ब्रांचेस पे विजिट कर रहे थे, पूरा टाइम रुचिका मैम कॉल करते थे, जैसे ही मैम का कॉल आता था एकदम इधर हम हंसी मजाक करें, सर एकदम सीरियस, हाँ का मैडम पूछते थे कुटो पोस्ट गाड़ी मत है, गाड़ी चलो। तो लगना चाहिए भाई आदमी, उसके पहले हम क्या बातें कर रहे, अरे कभी तो घूमने जाएंगे, किधर जाएंगे, गोवा में क्या चल रहा है, क्लब में क्या होता है, मतलब लिटरली हम ये बात नहीं कर रहे थे, नहीं तो सीरियस हो जाएंगे कि ये क्या है भाई, डायरेक्टर लोगों का नुस्ते बच्चों दिन डायरेक्टर लोगों का नुस्ते इकडे तिकडे फिरत असतात, काम काही करत नाही। सेकंड अरे बेस्ट, मतलब सबसे आपने, जैसे ही अभी मनीष ने भी बोला कि पूरे TWG टीम में सबसे हैंडसम आदमी प्रतीक जासूचर सर। एक्चुअली मैं वही बोला जब वो बोला कि भाई ये तुम्हारा सब कॉमेडी वाला है, बेस्ट जोक था उसका भी। प्रतीक सर मतलब प्रतीक सर बेस्ट आदमी, प्रतीक सर बेस्ट आदमी। अगर आपको किसी को भी टाइम है कि वक्त मेरे को लोनली फील हो रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, यू कैन एनी टाइम कम, मतलब ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, कोई जोक नहीं है, प्रतीक सर से बात कर सकते, एकदम लाइवली आदमी है, हम रात भर भी बैठ के बात कर सकते हैं, जो हम करते भी है। सर क्यों हंस रहे बात करने? देवा सर बैठे उधर कॉर्नर में, देवा सर इतने, मतलब मेरे को ये टैलेंट चाहिए, देवा सर का टैलेंट मेरे को चाहिए पर्सनली। मैं इतना फॉलो करता हूँ वो आदमी को, मैं 4 दिन मीटिंग में बैठता हूँ भाई, 4 दिन, ये आदमी 1 दिन आता है खाली, मैं 4 दिन मीटिंग में बैठता हूँ, मेरे को एक काम दिखता नहीं है मेरा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, ये आदमी 1 दिन आता है डायरी लेके, पूरा डायरी भर देता है ऑर्डर से। कभी कभी ऑर्डर नहीं मिलता है, मतलब ऐसा होता है कि कोई रीज़न नहीं है वहाँ पे कि मीडिया को ऑर्डर मिलेगा, ये आदमी वो सिचुएशन क्रिएट करता है कि सर ऐसा करो या अपन ऑर्डर घू सकते, ये आदमी खुद का ही टर्न ओवर बढ़ाया जा रहा है। अब मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि सिद्धे सर ये दिल पे नहीं लेते हैं करके कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है क्या करना, नहीं तो सर निकलेंगे घर बनाते हुए सब। वो तो फिर भी ठीक है, हमारे हॉस्पिटल ये क्या बोलते हैं हेल्थ केयर वाले नहीं लेते, नहीं तो सबको गोलियां बांटते फिरेंगे, ये बीमार है दो इसको, ये उधर भी जा रहा है दो इसको, ये कहीं तो ओएम में जा रहा है दो। मतलब ना कोई मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने अगर हम शुरू हो गए तो पता नहीं हम कहाँ जाने वाले, डेंजर है सभी, पृथ्वी भी बैठा हुआ है। पृथ्वीला बघितल्यानंतर पहिल्यांदा मला कळालं की पृथ्वी गोल असते। मैं जब नया नया ऑफिस में आता था, मतलब या 1 साल पहले की बात है, मैं जा रहा हूँ पेंट्री में, पृथ्वी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, सर बोलो तो पृथ्वी क्या कर रहा है, चिप्स खातो है कोल्ड ड्रिंक, 10 दिवसानंतर आतो, पृथ्वी काय करतो, चिप्स खातो है, 1.5 वर्षानंतर मी परत गेलो होतो, पृथ्वी काय करतोय, बेस्ट है सौरभ सर आहे। सौरभ सर सारखं मी एकदमच म्हणजे इतका सॉरी
काय म्हणतात त्याला, तुम्हाला बोलायला पण भीती वाटते बघ, एवढं तर माणसाचं हे आहे एकदम, काय म्हणतात त्याला, वजन पर्सनॅलिटी आहे ती खात. येस, तुम्ही सौरभ सरांकडनं पण, मी जेव्हा फर्स्ट टाइम आपल्या रेसिडेन्सीला शिफ्ट होणार होतो, मी कॉल केला म्हणता सौरभ सर ते रूमची जागा कुठं घेऊ, तर मी काय करू, तुमचा नंबर दिला सर, तुमचा नंबर भेटलाय मला, तुमचा नंबर सजेस्ट केलाय कोणतरी, कोण दिलाय? मी बोला भाई नाही लेना तुमको कंपनी, बोल दो भाई हम थोडी घर छोड के आहे त्याच्यामध्ये, डेंजर आहे. और कोण आहे पीछे? ऋषिकेश दादा पे कोई जोक नहीं हो सकता, जे त्यांच्या अंडर मध्ये काम करते सगळ्यांना माहिती आहे, ऋषिकेश दादा बेस्ट बीएम एवर आहेत, म्हणजे काहीच ताण नाही, तुम्ही काय करताय काय नाही काही टेन्शन नाही. म्हणजे मला तरी असं वाटतंय की ऋषिकेश दादा इतके फ्री असतात, एका दिवशी ते घराचं दार ओपन करतील, 10 RM जरी झोपलेले असतील ते कोणाला विचारणार नाही की तुम्ही काय करताय, आले असतील थांबले असतील, एवढं काय त्याच्यामध्ये, ते स्वतः बाहेर हॉटेल बुक करतील स्वतः, कि आपल्या आरएमचे आहेत, आपली जागा आहे, काही काही कोणालाच म्हणजे ते वाईट वाटायला नको, अजिबातच आरएमला तर अजिबातच नाही. आमचे पुण्याची ब्रांच स्टाफ याच्यामुळेच वाढते, त्यांना मुलींना काय मुलं असते म्हणे बीएम खूप चांगला, पुणे ब्रांचची लिमिट वाढतच चालली, एवढंच आहे आता अजून ठीक आहे. इतके ऑडियन्समध्ये मला एवढंच क्लिक होतं आता. थँक्यू फॉर लिसनिंग टू मी, थँक्यू.